तुम बोल सकते हो भैया मैं इतना अच्छा लिखा हूँ, फिर भी उस बंदे को या फिर उस बंदी को ज्यादा नंबर मिल रहा है मेरे से, क्यों? What the reason behind it? Hello everyone, welcome back to Akash Talks. Hello all ICC and IAC 2023 students. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बोला था for ICC students, क्योंकि इस बार यार बहुत दिन के बाद मींस आफ्टर 2020 दो साल के बाद फिर से ICSE जैसे होता है उस तरीके से होने वाले है, राइट? एंड इसके लिए मैं क्या बोला था कि हाँ यार मैं जो लास्ट वीडियो के अंदर बताया था रिगार्डिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, वो लेके हम पूरे कंटेंट देने वाले हैं इस बार, हर एक चीज फ्री में, ठीक है? एंड हर एक टाइम में हम क्या करते हैं कि तुमको हर चीज बताते हैं, इस बार तुमको हर एक चीज का प्रक्रिया बोलेंगे। एंड प्लस सबसे मेजर फैक्ट क्या है पता है? मेजर फैक्ट ये है कि इस बार तुमको मेरे को ट्यूशन फी देना नहीं है, ठीक है? मैं जो होमवर्क दूंगा वो तुमको करके मेरे को भेजना है। अगर मैं तुमको कोई ग्रामर का होमवर्क दे रहा हूँ वो तुमको भेजना है, ठीक है? एंड मैं तुम्हारा ग्रामर का होमवर्क चेक करूंगा, चेक करके मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा नाम बताऊंगा कौन कौन मेरे को होमवर्क दिए थे। एंड आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 20 या फिर आउट ऑफ 60, आउट ऑफ 30, व्हाटएवर मार्क्स यू गोना गेट, वो भी हम डिक्लेयर करने वाले हैं उसके अगले वीडियो में, राइट? तो पहला बात तो ये कि ये सब प्रक्रिया इस बार हम सोच के रखे हैं। अगर तुम लोग मेरे को सहायता करते हो, इफ यू हेल्प मी टू डू ऑल दिस थिंग्स, I will going to plan each and everything without any cost or free of cost, because Akash Talks main motto is to provide education for each and every students for free or for most affordable price, right? So यार आज के जो टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेज के अंदर, वो है कंपोजिशन या फिर हमारे एसे, राइट? तुम लोग देख सकते हो उधर हमने लास्ट वीडियो के अंदर बोला था कैसे एक मैं कुछ टिप्स दूंगा कैसे गुड कंपोजिशन लिखना है, क्या क्या कंपोजिशन इसके अंदर है, तुम लोग देख सकते हो। बेसिकली पांच टाइप के कंपोजिशन है, राइट? या फिर ऐसे है, तो मैं लास्ट वीडियो के अंदर ये बोला था कि तुम जो भी चीज को उठाने वाले हो उसको पहले अच्छे से देख लो, ठीक है? मैं इस वीडियो के अंदर ये नहीं दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे लिखते हैं कंपोजिशन, मैं सिर्फ इसके ऊपर पूरे कंपोजिशन को लेकर बात करूंगा, रैदर डिस्क्रिप्टिव ऐसे को लेके काइंडली मेनली हम बात करने वाले हैं हम पूरे सीरीज के दौरान, जो हमारे सीरीज बनने वाले हैं लिटरेचर एंड लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है? इस पूरे सीरीज के ऊपर अगर तुम लोग सपोर्ट करते हो तो मैं हर एक ऐसे से लेके हर एक टाइप के ऐसे, हर एक टाइप के लेटर, हर एक टाइप के ईमेल, नोटिस, व्हाटएवर जो भी इस बार है वो हर एक चीज हम दिखाएंगे, प्लस ग्रामर एंड विथ योर कॉम्प्रीहेंशन ऑल्सो एंड इन लैंग्वेज और इन लिटरेचर, वो भी हम ट्राई करेंगे। अगर तुम लोग चाहते हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है? देखो यार, एक अच्छा कंपोजिशन या फिर एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है तुमको? ना एक अच्छा क्रिएटिव माइंड होना, मतलब कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना मेरे को एक क्रिएटिव माइंड, हाँ यार वीडियो को कैसे प्रस्तुत करें फिर प्रेजेंट करें ताकि जो व्यूअर्स है उसको देखने के लिए मजा आए, राइट? मतलब तुम लोग तो यार ऑब्वियसली रील्स देखते हो, ये सब वीडियो बहुत कम देखते हो ऑब्वियसली, राइट? तो मेन मुद्दे की बात क्या है कि तुमको ऐसे तरीके से वीडियो को प्लान करनी है। देखो हम इधर रील्स बना नहीं सकते, हम इधर शॉर्ट्स बना नहीं सकते, बिकॉज हम लोग एजुकेशनल चैनल है, ठीक है? मैं क्या बोलूंगा शॉर्ट में, ये कर ले तेरा हो जाएगा, पानी पी लो अच्छा नंबर आ जाएगा, नो यार वी कांट टेल लाइक शिवम जो भी है व्हाटएवर, ठीक है? ये हम नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको बहुत कम समय में तुमको पहुंचवाना, राइट? तो कंपोजिशन जो है जो तुमको थिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा आना चाहिए। देखो इधर लिखा है इट इज एन आर्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्लानिंग एंड इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ इमेजिनेशंस आल्सो, सम फैक्ट सम मॉरल कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड और इट शुड बी रिलेट विद द टॉपिक, ठीक है? भैया ये कौन सा बुक है यार, जो बुक हमने लास्ट वीडियो में यार शेयर किए थे तुमको बोले थे इस बुक से हम पढ़ाने वाले, इसका लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। यार इसमें मेरा कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं है, ठीक है? नॉर्मली मैं सजेस्ट करो बुक अच्छा है, ऑज़वर्ल्ड का यार ये वाला बुक है, ठीक है? ये वाला बुक है, मेरा लिंक है, लिंक से यार जाके खरीद सकते हो, तुमको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। एनीवेज यार देखो मेरे को अगर हेल्प मिलता है मैं तुमको हेल्प करता हूँ, दैट्स इट, ठीक है? अच्छा देखो यार कुछ टिप्स मैं बोलूंगा यार जो इस बुक के अंदर दिया गया, मेरे को ये हर एक टिप्स अच्छा लगा, क्योंकि यार जो कॉम्पोजिशन है जो ऐसे है पांच तरीके का है, तुमको तो कोई एक ही करना है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि हमेशा दो एटलीस्ट करके जाना, ठीक है? तो देखो इट शुड बी हैव अ बिगिनिंग विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच अराउज द रीडर्स इंटरेस्ट, राइट? So if my intro is not that much good, then people are not going to watch the video, right? So if your essay is not that much good, then your teacher or your ICC councils के जो teachers थे जो तुम्हारे paper check करने वाले, they will not going to read the essay. And trust me, school में यार trust me, your teacher, मैं अगर किसी teacher को बुरा लगे तो sorry for that, but teachers ना हमारे teachers कभी पूरे essays को नहीं पढ़ते हैं यार, मैं स्वयं एक teacher हूँ, I know this thing, ठीक है? सिर्फ इंट्रो का चीज पढ़ते हैं, इंट्रो पढ़ के वो पता लगाता है कि ये बच्चा कितना अच्छा है कि नहीं है, अगर है तो कितना अच्छा है, ठीक है? इंट्रो पढ़ के उसको समझ में आ जाएगा ये बच्चा कितना अच्छा है या फिर व्हाटएवर, ठीक है?
नेक्स्ट है क्या, सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंपोजिशन इज कॉल्ड लॉजिकल बॉडी, जो हमारे बीच के पोर्शन है उसको बोलते हैं हम लॉजिकल बॉडी। उस लॉजिकल बॉडी के अंदर तुम कितने अच्छे वोकैबुलरी यूज किए हो, इसीलिए मैं तुमको बोलता हूँ भाई न्यूज़पेपर पढ़ो, अगर कोई अच्छा डिक्शनरी पढ़ो, ठीक है, जो वर्ड स्टॉक ऑफ अपने अंदर स्टॉक ऑफ वर्ड्स बढ़ाओ, लाइक सूडो मतलब जो भी रिलेट हो उसके अकॉर्डिंग तुमको अपना स्टॉक ऑफ वर्ड्स, यू नीड टू मेंटेन योर स्टॉक ऑफ वर्ड्स, यू नीड टू इंक्रीज द वोकैबुलरी लेवल ऑफ वोकैबुलरी इनसाइड योर बॉडी राइट एंड इनसाइड योर ब्रेन व्हाटएवर यू कैन से। एंड इफेक्टिव राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस क्रिएट अ लॉट ऑफ चेंज बिटवीन यू एंड दैट पर्सन जो जिसका नंबर अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तुम बोल सकते हो भैया मैं इतना अच्छा लिखा हूँ फिर भी उस बंदे को या फिर उस बंदी को ज्यादा नंबर मिल रहा है मेरे से, क्यों, व्हाट द रीजन बिहाइंड इट, द रीजन इज दैट द वोकैबुलरी ऑफ दैट पर्सन और द वे ही राइट्स द लॉजिकल पार्ट ऑफ द ऑफ दैट पर्टिकुलर एसे इज फार मोर बेटर देन यू बिकॉज स्टॉक ऑफ वर्ड्स वो बहुत लगा रहे, ठीक है, तुम उतना स्टॉक ऑफ वर्ड नहीं दे रहे हो राइट। मान लो एक नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है, अगर मैं वीडियो को ऐसे बोलूंगा यार तुम स्टॉक ऑफ वर्ड्स अच्छे से नहीं देते हो तो क्या तुमको देखने को अच्छा लगेगा, नो राइट, दैट्स अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग हम बोलेंगे यूजिंग प्रोवर्ब्स एंड योर एक्सपीरियंस, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट में एक अच्छा सा कंक्लूजन बहुत लोग नहीं डालते हैं बट एक अच्छा सा कंक्लूजन भी एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुम्हारा जो टीचर चेक करेगा तुम्हारे ऐसे को अगर वो कंक्लूजन नहीं देखते हैं ऑन दैट केस, मतलब अगर पूरा पढ़ते भी नहीं तो कंक्लूजन जरूर देखेगा कि तुम चीज को कंक्लूड कैसे किए। ये एक मेजर फैक्टर होते हैं हर एक व्यक्ति के एंड ये एक मॉरल एडवाइस। मान लो कंक्लूजन के ऊपर क्या देना है, जो हम लिख रहे हैं उसके ऊपर ही कुछ देना है, चाहे वो मॉरल एडवाइस है राइट, चाहे वो कोई सेटिस्फैक्टरी आइडिया है, चाहे वो कोई गुड एंडिंग है, चाहे इसके ऊपर कोई अपीलिंग है रीडर्स को अपील करना कि हाँ यार सिगरेट पीने से कैंसर होते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर एक अच्छा मॉरल एडवाइस है कि अ फ्रेंड इन नीड अ फ्रेंड इन डीड, ठीक है, whatever might be your answers or whatever might be your moral outcome of that particular essay, it should be maintained, ye bahut important hai। acha hum ek chhota sa bhi aa raha hai tumhare descriptive essay ke upar, dekho descriptive essay ke liye hum thoda baat karne wale hai is video ke upar, theek hai, and main tumko ek homework dunga, agar dekhte ho ki tum log karte ho ki nahi karte ho, agar karte ho in that case mere ko main next video iske upar hi banaunga, theek hai। descriptive essay ek aise tarike ka essay hai jiske andar humko descriptions dena hai बट इस वीडियो के अंदर मैं डिस्क्रिप्टिव एसे को लेकर बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्या लेके बात किया कि कैसे एसे को प्रस्तुत करना है। अभी तुम लोग कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो तुम कौन सी टॉपिक के ऊपर चाहते हो, डिस्क्रिप्टिव एसे या फिर नैरेटिव एसे या फिर आर्ग्यूमेंटेटिव एसे या फिर पिक्चर कंपोजिशन या फिर बिगिनिंग में जो भी हमारा ये वाला है, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी जो चाहते हो वो तुम कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर आने वाले हैं बहुत ही जल्दी एंड सॉरी फॉर दैट बिकॉज वीडियो थोड़ा लेट आता है बिकॉज मेरा प्लेसमेंट चल रहा है यार, इसलिए क्लीन शेप भी करना पड़ रहा है यार, हर एक दिन कंपनी पे जाना है, ठीक है। So, इसी के समाज का वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए चलते हैं, see, have a very good time, goodbye, good night, and keep watching, Akash, please share this video with all your friends, thank you.